हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कुछ दिन से कुछ दरारें चल रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को नहीं देख रहे हैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, ऐसे ही अपडेट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा वाला बटन है वो भी आपको दबा देना है। इससे आपको क्या होगा, हम लोग जब नया नया वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही है कुछ दिन से जो इंडिया के जो ओपनर है रोहित शर्मा और कैप्टन विराट कोहली, उन दोनों के बीच बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। हालांकि ये वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है, लेकिन अभी जो ये बात सामने आया है वो अभी खुल के सामने आया है, क्योंकि अभी जो रोहित शर्मा है विराट कोहली के जो वाइफ है अनुष्का शर्मा, उनको जो इंस्टाग्राम है इंस्टा से अनफॉलो कर दिया है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले ही रोहित शर्मा ने विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया था, लेकिन अभी तक विराट कोहली रोहित शर्मा को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है अभी बहुत दिन पहले से ही चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है इसका पीछे मेन रीज़न क्या है। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही है ICC वर्ल्ड कप में इंडिया को न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हार मिली। तो अभी इस वर्ल्ड कप से ही टीम इंडिया में दो गुट में टीम इंडिया का जो टीम है वो दो गुट में बट गई। एक है विराट कोहली की टीम और दूसरा हो चुका था रोहित शर्मा की टीम। तो ऐसे में इंडिया के जो कुछ रवि शास्त्री और कैप्टन विराट कोहली का जो कुछ डिसीशन है वो डिसीशन रोहित शर्मा की जो टीम है उन टीम को रोहित शर्मा को नागवार गुजरा। और इससे पहले ही दोस्तों, रोहित शर्मा और जो इंडिया के जो ओपनर है शिखर धवन विराट कोहली की जो मैनेजमेंट कंपनी है उस कंपनी से हट चुके थे। तो दोस्तों, इससे ही शुरू हुआ विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच बहुत दरारें। तो अभी जो ये दरारें दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, रोहित शर्मा की जो वाइफ है उन्होंने भी विराट कोहली और उनका जो वाइफ अनुष्का शर्मा है उन दोनों को अनफॉलो कर दिया है। तो आप लोग को बता दें, ऐसे में टीम इंडिया का दो गुट होना, दो टीम में बट जाना इंडिया की टीम के लिए बहुत ही खतरा है, क्योंकि टीम इंडिया अब वर्ल्ड में ऐसी पोजीशन में है वो वर्ल्ड की टॉप वन रैंकिंग में है। तो ऐसे में दोस्तों, टीम में दरार होने से टीम का जो मनोबल है वो भी कम हो जाएगा, इंडिया की जो प्लेयर है उन लोगों के बीच वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में उन दोनों का जो प्रॉब्लम है वो क्रिकेट के गेम पर भी पड़ सकता है। हम लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बुरी ये बात है। तो अभी ये टीम इंडिया के लिए भी ये गुड न्यूज़ नहीं है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि उन दोनों के बीच जो दरारें हैं वो जल्द से जल्द सल्व हो जाए, और टीम इंडिया की जो सभी मेंबर्स है, सभी प्लेयर है बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वर्ल्ड की जो टॉप प्लेयर में से एक है सभी प्लेयर, और इन सभी लोगों से हम लोगों को अच्छा खासा क्रिकेट गेम देखने को मिले। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, हम लोग यही दुआ करते हैं कि इन दोनों के बीच जो दरारें हैं, जो दो गुट में अभी इंडिया टीम दो टीम में बट चुकी है, वो एक हो जाए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इसके बारे में दोस्तों, आपका राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आज के लिए वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए सुस्त रहे, सलामत रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।